आप लोग बहुत जरूर चल रहे ओ मैडम जी थोड़ा अंदर जाओ ना आप ब्लॉग में देखो हाँ आप लोग थोड़ा अंदर ब्लॉग में दिखाई दो आप ही के लिए किया नहीं सर को कोल्ड ड्रिंक ला हॉकी में रख के ये ऐसे ही है ना जी। वेल अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ऑब्वियसली आज शादी तो ऋतिक कर ही नहीं सकता बिकॉज़ उसके भाई को मतलब कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तक आप कह रहे हो सांप ने काटा लेकिन मुझे तो नहीं पता कि क्या हुआ है। सो वो आके ऑब्वियसली मना करता है कि मैं आज मैं आज तो शादी नहीं करूँगा और साथ साथ में ये था कि वो शगुन होता है और कुछ मेरी जान को भी ख़तरा होता है अगर मैं आज शादी ना करूँ तो ऐसे माँ ने बताया होता है। तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड बहुत सस्पेंस है इसमें जो ऑब्वियसली आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा कि क्या है। क्या पता ऐसे भी हो सकता है क्या होता है एग्जैक्टली इसके लिए तो आपको एपिसोड देखना पड़ेगा इसलिए प्लीज़ देखिएगा नागिन शनिवार और रविवार 8:00 बजे ओनली ऑन योर फेवरेट चैनल कलर। आई एम ग्लैड दैट द ऑडियंस इज यू नो गेव अस सो मच लव इन द इनिशियल इन द बिगनिंग एंड अभी भी जो मतलब प्यार बरकरार रखा है उन्होंने एंड आई जस्ट होप कि ये कंटिन्यू होता है एंड वी रियली नीड इट आवर शो रियली नीड्स इट we work really hard to make this kind of a show ताकि वो convincing भी लगे काफ़ी सारे graphics हैं इसमें and but खुशी इस बात की है कि बहुत skeptical थे हम सब लोग कि क्या होगा work करेगा नहीं करेगा how will the audience react but अच्छा लग रहा है बहुत अभी। एक तो ये वीकेंड पे ऐसा रिस्पॉन्स आना मतलब ये ऑडियंस का चमत्कार ही है। मैं ऑडियंस को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्हें हमारा शो पसंद आ रहा है और मुझे भी काफ़ी सारा अच्छा फीडबैक मिला है ऑडियंस से सो थैंक यू सो मच एंड आई जस्ट होप इट कंटिन्यूज़ इन द कमिंग वीक्स टिल द शो इज़ ऑन एयर बिकॉज इट्स अ फाइनाइट सीरीज़ तो आई एम श्योर कि लोग देखना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं खींचे जा रहे हैं ऐसा नहीं है तो इट इज़ अ डेफिनेट स्टोरी एंड आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू एंजॉय वॉचिंग ऑल द एपिसोड्स।